एग्जाम्पल है, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ए बी कैरिंग अ करंट ऑफ 4 एम्पियर. तो ये वायर है जिसमें करंट कितना है, 4 एम्पियर है. अ प्रोटोन पी ट्रेवल्स, प्रोटोन है, पी पॉजिटिव चार्ज है, ट्रेवल्स 4×10^6 मीटर पर सेकेंड से ये प्रोटोन पड़ा हुआ है, पैरेलल टू द वायर 0.2 मीटर फ्रॉम इट इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट. अगर करंट 4 एम्पियर ऊपर है तो ये वेलोसिटी नीचे है. तो आपको बताना है इसके ऊपर फोर्स क्या लगेगी. तो फोर्स क्यों लगेगी, क्योंकि ये करंट कैरिंग वायर 0.2 मीटर दूर क्या लगाएगा, बी लगाएगा. तो यहां पे बी का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट बाय 4π2i/r. सही. तो आई पता है, आर पता है, सॉल्व करके बी की वैल्यू आ गई. ये बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, यहां पे राइट हैंड में करंट, क्योंकि बी की डायरेक्शन पूछ रहा हूं, एफ की नहीं पूछ रहा. तो बी की डायरेक्शन के लिए थंब इधर और फिंगर्स कहां जाएंगी, बोर्ड के इनसाइड. तो बी कैसे होगा, इनसाइड, क्रॉस लगा दिया. अब ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ वी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स. फोर्स की वैल्यू क्या होगी, बी क्यू वी साइन 90. क्यों, क्योंकि बी वेक्टर बोर्ड के अंदर है, वेलोसिटी वेक्टर ये रहा, एंगल उनके बीच में कितना 90. डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, बी कैसे है, बोर्ड के अंदर. डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, नीचे, फर्स्ट फिंगर बोर्ड के अंदर, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज नीचे. तो फोर्स कहां पर लगेगी, राइट. तो समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक. तो वैल्यू भी आ गई और डायरेक्शन भी आ गई. ये आप अपने फॉर्मूला रजिस्टर में अच्छे से नोट कर लें, इसके ऊपर आपको पेपर में आना ही आना है, एक नहीं कम से कम 50 क्वेश्चन आने हैं, भूल ना जाना. वो आपको बिल्कुल भी मास ऑफ अल्फा पार्टिकल नहीं देगा और अल्फा पार्टिकल पे क्वेश्चन पूछेगा. तो नोट कर लें, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होता है, मास ऑफ जो अल्फा पार्टिकल है वो 4 टाइम मास ऑफ प्रोटोन है, और चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल 2 टाइम चार्ज ऑफ प्रोटोन है. ये याद रखें, मास की वैल्यू अल्फा पार्टिकल की 4 टाइम मास ऑफ प्रोटोन है और चार्ज की वैल्यू 2 टाइम चार्ज ऑफ प्रोटोन है. भूलना नहीं है, न्यूमेरिकल में अल्फा पार्टिकल पे क्वेश्चन आएगा और न्यूमेरिकल के अंदर अल्फा पार्टिकल पे क्वेश्चन आएगा तो मास और चार्ज नहीं देगा. प्रोटोन का मास चार्ज आपको पता है, तो यहाँ से 4 और 2 की रेशियो है. उसी तरीके से ड्यूट्रॉन पे भी आएगा. तो फॉर्मूला रजिस्टर में एंटर कर ले, ड्यूट्रॉन का जो चार्ज है वो प्रोटोन के इक्वल होता है और जो मास है वो 2x होता है. ये दोनों चीज़ें नोट कर लें प्लीज़.